राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों सूबे के सरकारी अस्पतालों की सफाई व्यवस्था को लेकर बेहद ही दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो बीमार थे तो राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ की सफाई व्यवस्था देखकर उन्हें भी शर्म आने लगी। जब सरकार सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क सेवा और बेहतर चिकित्सा दे रही है, तो ऐसे में साफ सफाई और अस्पताल भवन की मरम्मत में क्यों इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। मेरी भी कोशिश है कि मैं कोई जिले में जाऊं दौरे में, तो मैं अचानक चला जाऊं आपके वहां पर, आपसे मिलना भी हो जाएगा, आप जरा चाय पी पाऊंगा और साथ में मैं देख भी लूंगा कि वहाँ मरीज लोग क्या कह रहे हैं, जो बाहर बेचारे खड़े रहते हैं अटेंडेंट वगैरह, थोड़े एक फीडबैक मिलेगा। मंत्री जाएंगे, मैं जाऊंगा, कोशिश करेंगे कि ये योजना जो है कम से कम इसमें राजस्थान का नाम अगर नंबर वन होता है देश के अंदर, उसका भी असर पड़ता है। इस प्रकार से मैं आपसे अपील करता हूँ कि सब बातें यहाँ हुई है मेंटेनेंस की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे नवीन मांझी जी को, हिमाचल जी को मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी आज की बात सी है, आप चाहे दौड़े निकाल दें कि पहले, मतलब ये इनका ही काम है, ये कोई वहाँ पर अभी तक तो ये सिस्टम ये है कि डिमांड पे आप काम करते हैं, भाई हमारे आप ये हमारी तकलीफ है तो वो एस्टिमेट बनाएंगे करेंगे, उल्टा चले, जिस प्रॉपर्टी आपकी हो और आप उसकी कैसे देखभाल करो उस ढंग से चलोगे, तब जा करके ये काम उनके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, दोनों को मिलकर करना, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। पर इतना आप टॉयलेट है, सफाई का काम है, वो जो मेंटेनेंस का काम है, दीवारें गिरती है, कई बार खबर आती है प्लास्टर ऊपर नीचे पड़ गया और लग भी गई लोगों के साथ, कल डेथ भी हो गई थी बाढ़ में वगैरह में कहीं पर, तो बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब अगर गवर्नमेंट अस्पताल में डेथ इसलिए हो जाए कि छत से प्लास्टर गिर गया जो भी है, तो टोटल जिम्मेवारी आपकी होगी मेंटेनेंस की, आप अपनी बॉल कोर्ट में डाल दीजिए, अखिल लड़ा निकाल दीजिए, ठीक है, बोलो वैभव आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये जाने के काम जा रहे हैं, क्या से पैसा लाए क्या करें, ये काम बेटी प्रबंधन का काम है, पर काम जो है जब हम दवाएं फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, और फिर वहां पर अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम नहीं जा सकता आदमी, मतलब क्या बीतती है मरीज पर बेचारे में, मैं तो देखता जाएगा वहां पर, मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता है मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़ गया ऐसा मुझे काफी। तो मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप इस काम का हाथ में लो और तरकीब से अपने इसको, दूसरा ये गंदगी करते रहते लोग बाग भी जाते हैं, थूक थूकते हैं, ज्यादा बीड़ी को लेते रहते हैं, उसके लिए बोर्ड लगे वहां पर, कोई फाइन का सिस्टम करें आप लोग, मेडिकल कॉलेज वाले 5,000 दे सर फाइन लगाए डराने के लिए कि 5,000 या 2,000 ज्यादा मत करोगे तो छिंद रहेगा पेटी।